वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मयंक यादव की बॉलिंग के लिए एक लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जहां इस वीडियो का लाइक टारगेट 50 लाइक्स है। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टी20 मैच, इंडिया ने बांग्लादेश को दूसरे टी20 मैच में भी आसानी से शिकस्त दे दी। मयंक यादव ने भी इस मैच में शानदार गेंदबाजी की। मयंक यादव जिनका टी20 इंटरनेशनल में ये दूसरा ही मैच था, 4 ओवर में 30 रन देकर 1 विकेट हासिल की। अपने स्पेल का आखिरी ओवर और इस इनिंग्स का 17 ओवर लेकर मयंक यादव आए तो इस ओवर की पहली गेंद तंजीम हसन साकिब को 149.7 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गेंद की। उसके बाद ओवर की दूसरी गेंद महमूदुल्ला रियाज को 149.2 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गेंद की और महमूदुल्ला को चोटल कर दिया। ओवर की चौथी गेंद 140.2 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गेंद की, जो कि इस ओवर की सबसे स्लोवेस्ट बॉल थी। उसके बाद ओवर की छठी गेंद 142.8 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गेंदबाजी की। आप कमेंट में बताइए कि क्या मयंक यादव इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर तेज तरीन गेंद का रिकॉर्ड तोड़ सकेंगे, जिस तरह से उन्होंने अपनी बॉलिंग की शुरुआत की है।